हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आ गया मैं फिर एक बार आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी है कोई भी आईटी कंपनी ज्वाइन करने से पहले। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा एक एक करके। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारी बातें समझ आ जाए और आप कोई भी आईटी कंपनी को ज्वाइन करें तो उस वक्त आप नर्वस ना हो और आप डरे नहीं, घबराए नहीं और अपना काम अच्छे से कर सके। तो बहुत लोगों का ज्वाइनिंग मैं जानता हूँ 10 जनवरी को हो सकता है होने वाला होगा और बहुत लोग का ज्वाइनिंग 20 दिसंबर को हो चुका है। तो ये बातें सब पे लागू होंगी, तो सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि आप जब भी कोई आईटी कंपनी ज्वाइन करते हैं और आप फ्रेशर हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस, कोई नॉलेज कुछ नहीं आपको पता होता है। आप बस जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं ज्वाइनिंग वाले दिन, और आपको बहुत सारा मेल्स आना शुरू हो जाता है और आप घबरा जाते हैं। आप सोचते हैं यार इतना सारा मेल आ रहा है, क्या करें भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। तो आप चिंता मत करिए, ऋषभ हैक्सन है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो देखिए होता क्या है, आपको बहुत सारा मेल इसलिए आता है क्योंकि जब भी आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, चाहे वो TCS हो, विप्रो हो, कॉग्निजेंट हो, कैपजीमिनी हो, कोई भी कंपनी हो, आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग टाइप से ग्रुप्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ को मैनेज करते हैं। तो आपको सब तरफ से कुछ ना कुछ मेल आना शुरू हो जाता है, लेकिन सारा मेल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट आपके लिए वही मेल्स होते हैं जैसे कि कोई एग्जाम रिलेटेड मेल हो गया, कोई कोर्स रिलेटेड मेल हो गया, या कोई मैनेजर आपका मेल किया है, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। सारे मेल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो आपको सारे मेल्स को बस पढ़ना है, ध्यान उतना नहीं देना या टेंशन नहीं लेना है कि मुझे इतने सारे मेल्स आ रहे हैं अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट मेल्स मिलते हैं, एग्जाम के मेल्स हो गए या फिर कोई कोर्स के मेल हो गए, तो आपको उसको रीड करना है अच्छे से, उसको समझना है और उसके थ्रू जो उसमें बोला गया, इंस्ट्रक्शंस दिया गया, उसको फॉलो करके, ऐसे कोर्स है तो आपको कोर्स कर लेना है, अगर कोई एग्जाम है शेड्यूल किया हुआ तो उस एग्जाम को अच्छे से दे देना है। कोई चीटिंग वीटिंग मत करिएगा, एग्जाम में नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। तो ये सब आपको करना है। और कुछ सेशंस होते हैं जो शुरू में दिया जाता है कंपनीज वगैरह में। तो सेशन किस लिए होते हैं? सेशंस होते हैं लाइक आपको अच्छा डेवलप करने के लिए, आपको कंपनी से अवेयर कराने के लिए कि कंपनी में कैसे क्या काम चलता है। ठीक है, तो आपको ये सब जानकारी देने के लिए वो कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सेशंस जो होते हैं वो कंपनी के टीम मेंबर्स ही लेते हैं, जो सीनियर्स वाले, सीनियर पोस्ट पे जो लोग होते हैं वो लोग लेते हैं, या फिर कोई वैसा आदमी वो लोग असाइन किए रहते हैं जो लोग लेते हैं ऐसा सेशंस। ठीक है, ताकि आपको मोटिवेट कर सके, आपको जो प्रोग्राम है उसके बारे में अवेयर करा सके। तो ये सब के लिए वो लोग आदमी हायर करके रखे रहते हैं जो आपको अवेयर कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिस पे आप फोकस करें अब से ही, अभी से ही, बिफोर ज्वाइनिंग, या फिर अगर ज्वाइन कर लिए और आप प्रोजेक्ट में नहीं आए तो इन पॉइंट्स पे फोकस करिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या क्या है, देखिए सबसे पहले होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट। आप इंग्लिश बोलना अपना अच्छा करिए, ठीक है, अच्छे से इंग्लिश में सबसे बात कर सके ऐसा इंग्लिश आपका होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ग्रामर सही हो वो जरूरत नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंट रहिए, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहिएगा तो, अगर मान लीजिए आपका एग्जाम वगैरह ओवर हो गया और आपको प्रोजेक्ट का मेल आ चुका है लेकिन आप प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं किए अभी तक, तो आपको पहला स्टेप लेना है। आपसे मैनेजर बात करने नहीं आएगा, आपको जाना है मैनेजर के पास, उसको मेल लिखना है, सब कुछ उससे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करना है और अपना सारा बात उसको बताना है। ठीक है, उसको झूठ मत बोलिएगा कि अब हमको नहीं आता है, ये नॉलेज नहीं है, या फिर हम बस इसका बेसिक जानते हैं तो हम कैसे करेंगे, ऐसा आपको घबरा के उसको नहीं बोलना है। आप उसको बोलिएगा कि मुझे आता है, मैं इतना ये सब पढ़ा हूँ, ये ट्रेनिंग में मैं पढ़ा था, अब मुझे बताइए मुझे क्या काम करना है। तो वो लोग आपको असाइन कर देंगे, सीनियर्स असाइन कर देते हैं तो सीनियर्स लोग आपको ट्रेनिंग वगैरह देंगे, तो वो तो होता है, आराम से आप झेल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लीजिएगा, मतलब खुशी खुशी आप कर लीजिएगा और आपको सब कुछ समझ भी आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, मेल्स का बात मैं आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे मेल्स आते हैं, तो मेल्स में भी आपको ध्यान देना है, ज़्यादा मेल्स देख के घबराना नहीं है। और दो तीन बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले अपना कम से कम माइक्रोसॉफ्ट का जो चीज़ सब होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब पे बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं ना तो वहाँ होता है टीम वर्क, और टीम वर्क में अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं तो कम से कम आपको एक्सेल तो आना चाहिए ना, तब तो आप अपना कुछ भी बात होगा तो एक्सेल में उसको डेटा के रूप में प्रेजेंट करके अपने सीनियर्स के साथ या कॉलीग्स के साथ शेयर कर सकेंगे। अगर आपको प्रेजेंटेशन आएगा बनाने, तब तो आप कोई चीज़ को अगर डिस्कस करना हो तो उस पर एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन बना के उसको कहीं पे दिखा सकेंगे अपने, मान लीजिए कोई आपको बाहर का प्रोजेक्ट आपको मिला, ठीक है, आपको बाहर में प्रेजेंट करना है कुछ, तो आपको प्रेजेंटेशन बनाने आना चाहिए ना, तब तो आप उसको बताइएगा, एक्सप्लेन करिएगा। तो आपको प्रेजेंटेशन बनाना अच्छे से सीख लेना है, एक्सेल अच्छे से सीख लेना है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अपना अच्छा थोड़ा कर लेना है,
कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंट एकदम अच्छे से रहना है आपको, डरना नहीं। क्यों डरना है यार, कंपनी में आए हो, तुमको मार के थोड़ी कोई भगा देगा, तुमको अच्छे से रहना है, काम करना है, कोई डरने का जरूरत नहीं है। अपने सीनियर्स, आपका सीनियर जो आपका मैनेजर है, अगर आपसे 45 साल उम्र में बड़ा है तो खुश रहो यार, तुम्हारा दोस्त जैसा है वो। यहाँ पे कोई हायरार्की सिस्टम नहीं होता है कि तुम्हारा बॉस है वो तुमको जब मार के तुमसे काम कराएगा, अच्छे से काम नहीं करोगे तो सैलरी काट लेगा, ऐसा नहीं होता है। तुमको अच्छा अपना बेस्ट देना है, अपना 100% दो, तो वो तुमसे बस काम चाहता है, तुम उसको काम उसको करके दो, वो तुमसे हमेशा खुश रहेगा, कभी तुमको ज़्यादा प्रेशर नहीं देगा, सब बात तुम्हारा मानेगा, तुम्हारा बिल वगैरह ही पास कर देगा। तो ये सब होता है, तो बस यही वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो गया, पर कोई बात नहीं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये 4000 स्पेशल वीडियो था तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। इस वीडियो को कम से कम 400 लाइक तो यार पहुँचा दो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, लाइक नहीं करते हो तुम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और आगे दो वीडियो डाल दूंगा, वो भी देख लेना यार टाइम मिलेगा तो। चलो बाय।